अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो मैं कहाँ हूँ जी, मैं हूँ जी किचन में। आपको दिस तो रहा होगा, तो बस मैं बनाने लगी थी खाना और बाहर हो रही है ज़ोरदार सी बारिश और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है ना वो कोमित राना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी साथ दिखाऊँ कि वो देखें कैसे पड़ रहा है और सुने भी, खाली तक या ना सुने होंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वो छोटा है अभी, उसको आता तो नहीं है जितना आता है, तो मैं अभी जो है ना आपको दिखाती हूँ सुनाती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और फिर बनाते हैं खाना। और खाने में आज मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको अभी जी बाहर का वेदर कैसा हो रहा है। तराना तो आप लोगों ने सुना है, अब बाहर का वेदर भी आप लोग देखें तो तुसा ये ना समझो ना मैं झूठ मारनी है कूड़ मारनी है कि बारिश होनी भी। तो ये देखिए जी हो रही है बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी, कभी तेज़ हो जाती है कभी आहिस्ता हो जाती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बारिश के बाद ये है कि ऐसा लगता है जैसा हर चीज़ नहाई धोई साफ़ सुथरी सी लगती है, लेकिन ये यहाँ पर तो 24 घंटे ही नहाई धोई रहते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठंड है काफ़ी ज़्यादा, सर्दी है, लेकिन ये कि अंदर तो इतना पता नहीं लगता। बेचारे जो बाहर होते हैं जो काम शाम करते हैं उनको पता लगता होगा, तो घरों के अंदर तो इतना नहीं पता लगता। ये देखें तो चलिए अभी बनाते हैं खाना। आपको तराना मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको अच्छा लगा बुरा लगा, कैसा उसने पढ़ा। लेकिन ये है कि छोटा है अभी, उसको आता नहीं है जितना उसको आता है उसने पढ़ा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मैं बनाने लगी हूँ अभी खाना, और खाने में मैं क्या बना रही हूँ, खाने में बना रही हूँ जी आलू बैंगन। ये बैंगन बना सा नाल फिर आलू भी, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं बना लगी हूँ। बाकी वैसे ही है कि मेरे बच्चों को तो इतना पसंद नहीं है सब्ज़ी, लेकिन फिर भी बना सा फिर खासा फिर तुसा के दसा जरा ना। चलिए बनाते हैं आलू। और ये मेरा ख्याल है मैं कोई तकरीबन 3-4 साल बाद बैंगन भरता तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन बैंगन के आलू नहीं बनाए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अभी बस मैं इसको लगा लूँगी दम, क्योंकि मैंने मसाला वगैरह बना के तो ये आलू और बैंगन इकट्ठे इसके अंदर डाल दिए। तो बस इसको मैं इसमें पानी शानी नहीं डालूँगी, ये इसी में ही पकेगा। हल्की आँच करके तो मैं इसको पकाऊँगी, तो फिर मैं इसकी आपको शक्ल दिखाऊंगी बनाने के बाद। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खाते हैं इसको दम 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 दम। और बच्चों ने फरमाइश की है कि उन्होंने खाने हैं चिकन वाले पकौड़े, तो ये जो है ना मैंने मसाला लगा के भी रख दिया, तो फिर जो है ना बनाएंगे चिकन वाले पकौड़े, क्योंकि वो लोग ये नहीं खाते बैंगन आलू और ये चीज़ें। और जो है ना बाकी सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अगर वो खाना हुआ वो खा लेंगे, लेकिन ये है कि ये जो है ना अभी मैं बना। तो जी गोभी आलू हो गए हैं हमारे तैयार मज़ेदार, और साथ ही जो है ना वो चिकन भी बन रहा है। तो वो देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो वो भी मैं आपको अभी उसकी शक्ल सूरत दिखाती हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और बच्चे मचा रहे हैं पीछे शोर, और बस मैंने ये जो है ना सालन जो है ना वो तैयार कर लिया है। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे से भून बांध लिया है, तो आलू भी गल गए हैं और बैंगन भी गल गए हैं अच्छे से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ चिकन। ये देखिए साथ साथ मैंने चिकन भी जो है ना वो फ्राई के लिए रख लिया है। तो बस अभी साथ साथ मैं बना रही हूँ रोटी। तो ये देखिए जी रोटी हो रही है तैयार और साथ हो रही है चिकन तैयार। तो बस अभी खाना शाना खाएँगे। जी तो खाना हमने जो है ना वो खा लिया था, हमने यानी कि तुन तन लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कोई काम है मैंने जाना है बाहर, तो तुम लोगों ने चलना है। तो हमने कहा इतनी अच्छी ऑफर है तो हम कैसे ठुकरा सकते हैं। हम भी रेडी रूडी होके तो गाड़ी में बैठ गए हैं। तो बारिश आपको दिख रही है, घर से निकले थे हल्की हल्की बारिश थी, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होगी बारिश। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दसें। तो इनको थोड़ा काम था, जिस साइड पर जा रहे थे वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सुना था कि वहाँ पर हल्की हल्की साइडों पर स्नो भी है। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पर स्नो है या नहीं है, वो तो अभी जाके पता लगेगा। तो इस सिर्फ उसी थोड़े से एरिया में स्नो है, बाकी जगह पे स्नो तो नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा और बारिश शदीद हो रही है, तो आपको आवाज़ तो आ रही होगी बारिश की। तो चलिए देखते हैं बारिश और इन्जॉय करते हैं बारिश को, और जो मेरे हस्बैंड का काम है वो भी कर लेंगे और हम भी इन्जॉय कर लेंगे। तो चलिए आप भी देखें मेरे साथ बारिश और सफ़र। ये देखें जी हम आ गए हैं जहाँ का मैंने आपको बताया था कि वहाँ हल्की हल्की स्नो है। तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो हुई है सर्दी की वजह से। तो
आप लोग भी इंजॉय करें, मैं भी करती हूँ इंजॉय इस व्यू को देखती हूँ, आप भी मेरे साथ देखें। मैंने सोचा मैं तो इंजॉय करी हूँ, साथ आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही आपको जो है ना दिखा दूँ। तो ये अच्छा सड़क पे बिल्कुल भी नहीं है, स्नो साइड साइड पे ही है। तो जी बस हम लोग भी बस काम शाम करके तो फिर घर ही जाएंगे, तो मिलती हूँ अभी आपको घर जाके। तो जी हम लोग चले गए थे बाहर, थोड़ा हमें काम था थोड़ा सा जो है ना, मेरे हस्बैंड ने जाना था तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जो है उनके साथ चले जाएं। हमें काम नहीं था, हस्बैंड का काम था, तो वो हमें साथ लेके चले गए। और बाहर का आपको माहौल वेदर कैसा रखा? और वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, थोड़ी थोड़ी जो है ना बारिश हो रही थी, लेकिन जब हम उस साइड पर गए तो फिर बहुत ही शदीद बारिश शुरू हो गई। और साथ ही एक जगह पर तो ऐसी यानी कि वो जगह हमें नजर आई वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो भी थी, जैसे कि आपको नजर आ गया वीडियो में। तो आपको अगर ये मेरी चवल सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना जूस लोग को। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अल्लाह से बाय टाटा।